बैंकिंग अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक। मुझे लगता है कि जल्दी अगर निफ्टी 16,400 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे देता है या 16,400 को क्रॉस करके उसके ऊपर मेंटेन करने लगता है, देन मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग में भी पॉसिबल होगा। बैंकिंग में आप HDFC बैंक को देख सकते हैं, एक्सिस बैंक को देख सकते हैं। एक्सिस बैंक का करंट मार्केट प्राइस है 650, स्टॉप लॉस इसका 620 रहेगा। मुझे लगता है अबव 700 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ये तो एक्सिस बैंक रहेगा, HDFC बैंक। एक्चुअली क्या है ना सर, अभी भूपे है मार्केट जहाँ पर है अभी, आप माने आप कौन सा लें और कौन सा ना ले वो रहेगा। तो एक्सिस बैंक भी ले सकते हैं, मुझे लगता है HDFC बैंक भी यहाँ पर ले सकते हैं। 22-30 का करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस इसका 22,000 रहेगा और मुझे लगता है अपसाइड में 2,450-2,500 तक के रेट्स भी आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश ऑन ऑटो एंड बैंकिंग। ऑटो और बैंकिंग पे बुलिश है, और ऑटो सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स उन्होंने बता दिए हैं सोमदीप जी ने, और बैंकिंग सेक्टर के भी बता दिए हैं। एक्सिस बैंक सर, एक्सिस बैंक में खरीदारी करंट लेवल्स पे कर सकता हूं या आज की डिप अच्छी है, आधा परसेंट की है, वैसे कुछ खास नहीं, लेकिन ये ठीक है मौका? जी कर सकते हैं, 620 का स्टॉप लॉस देके इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। HDFC में कर रहे हैं सर या HDFC बैंक में कर रहे हैं या दोनों में कर रहे हैं? सर एक्चुअली तो दोनों का ही फॉर्मेशन सेम है। HDFC बैंक का देखेंगे तो 1270 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक जो स्टांस है वो बुलिश रहेगा। एक माइनर हर्डल है इसका 1420 में, अगर इसको ये क्रॉस कर लेता है, मुझे लगता है जो कि करना चाहिए, तो 1420 को क्रॉस करेगा तो ये पीछे मुड़ के देखेगा नहीं। इन दैट केस आपको 1550 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। HDFC बैंक भी ले सकते हैं, HDFC भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक लेना बेहतर होगा। HDFC को माने अगर कंपेयर करें तो उससे। जी ठीक है, तो कंपैरेटिवली कह रहे हैं सोमदीप जी कि HDFC बैंक बेहतर रहेगा HDFC लिमिटेड से।